ऐसे अगर हम बात करते हैं बजट स्मार्टफोन्स की ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब 10,000 के नीचे आपको एक लिमिटेड बजट में चाहिए होती है बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस। और ऐसे में अगर हमको मिले ये एक इंडियन ब्रांड की तरफ से, तो डेफिनेटली यार प्राउड बहुत ज्यादा ही होता है। और फिलहाल के लिए ये आ गया है लावा लेके अपना नया ब्रांड न्यू फोन ब्लेज 2। आज आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए देखते रहिए और हम पता लगाते हैं कि आखिर इस ब्लेज 2 में ऐसा क्या स्पेशल है कि इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, अगर हम बात करते हैं लावा ब्लेज की ना, तो ब्लेज वॉज इन द बजट एक ऐसा फोन ट्राई किया था लावा ने। फिर ब्लेज प्रो जब आया तो फिर वो जूम 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 वाला पूरा सीन हो गया था यार, वो यू नो इट वॉज नॉट रियली समथिंग जिसकी हम तारीफ करें। बट अभी विद दिस ब्लेज 2 मेरे ख्याल से लावा इज बैक एंड इट्स यू नो बैक विद अ बैंग, बिकॉज ये जो फोन है ये मेरे ख्याल से अपने साथ में जो कंप्लीट पैकेज लेके आता है ना, इन टर्म्स ऑफ जो स्पेक्स इस फोन की है और जिस प्राइस पे ऑपरेट कर रहे हैं, भाई दिल से निकलता है प्राउडली इंडियन, बिकॉज ये काफी यूनिक स्टेप है। खैर अगर हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग की, तो टिपिकल स्टैंडर्ड ऐसी पैकेजिंग हमको मिल जाती है। वी हैव बजट फोन में ये मिलना ना अच्छी बात होती है, जहां पे हमारे पास में एक इंक्लूडेड केस है फॉर द प्रोटेक्शन, साथ में फिर लावा का 24 आवर्स एट होम सर्विस और ये सारे जो चीजों की डिटेल्स है वो आपको मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं नीचे, इस ऑरेंज कलर में आने वाला फोन है, इसको हम निकाल के देखते हैं बाद में। और देन वी हैव एक USB A to C केबल, साथ में फिर हमारे पास में है ये एक सिम टूल, एंड फाइनली एक 18 वॉट्स का चार्जर इन अ बजट फोन इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। खैर अगर हम बात करते हैं फोन की ना, इसको अगर हम हटाएं प्रोटेक्शन से बाहर और देखते हैं कि भाई फोन आखिर कैसा है, काफी अच्छा लग रहा है यार। मतलब ग्लास ऐसा आपको पूरा डिजाइन मिलता है, फ्लैट फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स जो हैं वो भी आपको ऐसे बिल्कुल वो मेटालिक लुक के साथ मिलते हैं, तो फील्स वेरी वेरी प्रीमियम इन हैंड। एक बार इसको हम बूट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है लावा ब्लेज 2। तो गाइस देखो, ये जो लावा ब्लेज 2 है ना, मतलब यार देखो डिजाइन से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस डिजाइन इज रियली वेरी 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 प्रीमियम। मतलब भाई दिखता जो है वो काफी अच्छा दिखता ही है, और जो इन हैंड फील है वो भी इस फोन की काफी ज्यादा प्रीमियम। मतलब कोई अगर आपको बोले कि 10,000 के अंडर का फोन है, आई डोंट थिंक को मानने वाला है। हमारे पास में तो ऐसा फ्लैट फ्रेम है, अगर हम बात करते हैं यू नो बटन्स और लेआउट्स की, तो यहाँ पे राइट साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आने वाला पावर लॉक अनलॉक बटन है, उसके बाद वॉल्यूम यू नो अप एंड डाउन है, ऊपर हमारे पास माइक्रोफोन मिल जाता है, लेफ्ट साइड में एक सिम ट्रे है, नीचे यहाँ पे हेडफोन जैक भी है, फिर पैनल माइक्रोफोन है, USB-C पोर्ट है, स्पीकर भी है। मतलब आपको एकदम ऐसा पॉलिश्ड काइंड ऑफ एक डिज़ाइन मिलता है, जो कि बहुत एक अच्छा काम अचीव किया है लावा ने। और पीछे हमारे पास में ये आता है ग्लास बैक के साथ में, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक अचीवमेंट है, जो कि लावा ब्लेज के टाइम से ही कर रहा है कि आपको पीछे ग्लास बैक वाला एक प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है, जहाँ पे हमारे पास में इस बार ये ग्लास ऑरेंज, ग्लास ब्लू और ग्लास ब्लैक, तीन अलग अलग कलर्स में फ़ोन मिल जाता है। और फिर है ये कैमरा सेटअप, इसके बारे में अगर हम आगे चल के बात करते हैं, वैसे यहाँ पे 13 megapixels का प्राइमरी कैमरा है, 2 megapixels का सेकेंडरी कैमरा है, which is of no use, साथ में रियर फ्लैश है और नीचे लावा की ब्रांडिंग है। अगर आप गाइस यहां पे फोन को सामने भी देखोगे ना, साथ में यूनिक प्रोपोजिशन लेके आता है, बिकॉज़ हमारे पास में है एक 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और ये आता है इस पंच होल वाले डिजाइन के साथ में। नॉर्मली आपको बजट में तो यार वो नॉच वगैरह मिलती है और एक अच्छा IPS पैनल है यहां पे, तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्ले क्वालिटी है फॉर द प्राइस एंड द काइंड ऑफ यू नो वेट लुक्स व्हेन यू इंटरैक्ट, बेजल्स वगैरह भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, यू नो इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द प्राइस। और फिर आती है इसके अंदर की बात है, और अंदर भी लावा ने आई थिंक काफी अच्छा काम किया है। अगर मैं ब्लेज से कंपेयर करता हूं इस ब्लेज 2 को ना, तो ब्लेज में था Helio A22 प्रोसेसर, बट यहाँ पे अभी हमारे पास में है यूनिसॉक का T616 प्रोसेसर, विच इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको बहुत एक अच्छा जो है रिजल्ट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं। साथ में इसमें है एक ही वेरिएंट जहाँ पे है 6GB की रैम, जिसमें 5GB की एक्स्ट्रा वर्चुअल
रैम का ऑप्शन भी है तो टेक्निकली वो 11 GB हो जाएगा, साथ में है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, तो विच इज अ गुड कॉन्फिगरेशन अगेन बजट प्राइस में, और फिर है 5000 mAh की बैटरी जहां पे 18 watts की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एंड द चार्जर कम्स इनसाइड द बॉक्स। तो यार ये मेरे ख्याल से जो कंप्लीट पैकेज बना है ना इस लावा ब्लेज 2 का, ये काफी एक्साइटिंग बन जाता है। और एक और अच्छी बात वो ये है कि ये आता है क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में, फिलहाल एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा यहाँ पे, हमने ये कहता गेम कुछ इंस्टॉल किया हुआ, अदरवाइज नॉर्मली भैया ये जो बाकी वाले फोन आते हैं ना यहाँ पे आपको ये पता नहीं क्या 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 भर भर के देते हैं फोन के अंदर, यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज आपको नहीं मिलती है, यू गेट अ कंप्लीट क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला पूरा फील जो कि यूज करने में काफी स्मूथ भी लगता है और काफी क्लीन भी लगता है। और यहाँ पे एक और बात जो लावा ने ऐड करी है वो ये है कि नॉर्मली विद द स्टॉक डायलर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का पंगा होता है जिन लोगों को करनी होती है और वो अनाउंसमेंट आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनोनिमस बैकग्राउंड कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है इफ इन केस यू वांट टू रिकॉर्ड सम कॉल्स। अगर हम फोन की बात करते हैं ना तो इट्स गुड टू सी कि एक इंडियन ब्रांड एक यू नो अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह का एक पूरा सेटअप अगर प्रोवाइड कर रहा है, विच तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है यार। और खैर अगर हम बात करते हैं अच्छे लगने की, तो फिलहाल खैर ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जो टिपिकल हमने इस फोन से क्लिक किए हैं फ्रंट रियर कैमरा को यूज़ करते हुए। कैमरा ऐप जो है वो काफ़ी बेसिक है, आपको कुछ कुछ खैर ऑप्शंस मिल जाते हैं तो वो आप देख सकते हो सामने क्या है रिजल्ट्स अपने स्क्रीन पे। और अगर हम बात करते हैं वैसे भी इस फोन को यूज़ करने की ना, तो बिकॉज ऑफ दिस पंच होल डिज़ाइन आपको काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं या यू नो इंजन अगर आप फोन को यूज़ करते हैं, तो ये आपको कभी भी लेके फील नहीं होगा कि यू आर कटिंग एनी कॉर्नर्स कि भैया आपने एक बजट का फोन ले लिया तो अब इसके अंदर तो ये चार चीजें हो ही नहीं सकती। यहां पे मेरे ख्याल से लावा ने उस मामले में काफी एक अच्छा अचीवमेंट किया है एंड इट्स गुड टू सी यार दिस अप्रोच, अदरवाइज वो ब्लेज प्रो वाला वो जबरदस्ती का जूम कैम्पेन वो सब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता यार। मतलब यू नो द रियलिटी शुड बी कि आप एक अच्छा फोन बनाओ एक अच्छी प्राइस से बनाओ तो डेफिनेटली पसंद आएगा लोगों को, रेदर देन जस्ट गोइंग फॉर यू नो नंबर्स या जस्ट गोइंग फॉर कि बस कुछ एक पोजीशनिंग हम हासिल कर लें। आई थिंक लावा अगर ये काम करता रहेगा अच्छी बात है, मतलब यू नो बाकी ब्रांड्स के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्म बज सकता है देखते हुए लावा ब्लेज 2 को जिस तरीके से इसको अचीव किया। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की ना, तो प्राइस इज 8,999 रुपीज़, मतलब 9,000 के नीचे का ये फोन आप मान लो। और इस प्राइस में जो चीज हमको दी है आई वुड अप्रिशिएट एवरी बिट ऑफ इट, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन या डिस्प्ले या परफॉर्मेंस या बाकी सब स्पेक्स या बैटरी नो मतलब कैमरा सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का तो बजट में तो 8 का मिलता है या रियर 13 का तो 13 का ही मिलता है, तो मतलब जो जितने स्टैंडर्ड सेट है वो स्टैंडर्ड सेट है, लेकिन जहाँ जहाँ पे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं वो डेफिनेटली वर्थ नोटिंग। आप बताओ वैसे कि आपको कैसा लगा ये, इस बार देखते हैं कि लावा वो अब जूम जूम तो करेगा नहीं, इस बार तो कुछ और ही करेगा, मतलब वट एवर दिस ब्लेज 2 का कैंपेन होता है। तो आप बताओ कि आपको ये ब्लेज 2 कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगता है देख के कि एक इंडियन ब्रांड यू नो इंडियन ब्रांड अगर ये सब अचीव कर रहा है तो डू यू थिंक कि यार वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आपकी उनकी बातें क्या है वीडियो को लाइक शेयर करते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।